पता नहीं चल रहा है कौन बचाएगा, किस प्रकार से चलेंगे तो बचेंगे। सब ऐसे ही दौड़ रहे हैं कि बांध भूल गया है, सब बांध भूल गए हैं कि कौन बचाएगा, कैसे चलेंगे तो बचेंगे। तो ऐसी परिस्थिति आके निर्माण हुई है कि जब तक ये नॉन जुडिशियल बंधन पे आएंगे नहीं, कुदरती बंधन पे, तब तक जब तक कोई पुरवार हो नहीं सकेंगे, तो इस आधार से हम चलेंगे तो हम घर परिवार और सब समाज बच पाएगा। कि प्राइवेट हो गया, कहते हैं प्राइवेट हो गया सब, यानी खानगीकरण, कि सब कह रहे हैं कि प्राइवेट हो गया, ये कंपनी हो गई प्राइवेट हो गई, कि जो कुछ भी अर्थ मटेरियल है, जो कुछ भी देख रहा है वो गवर्नमेंट हो गया, भारत सरकार का है। प्राइवेट हो गया हो तो पुरवार करना पड़ेगा, मेरा है ये गाड़ी बंगला घर जमीन, ये सब सरकार की है, ये हम पहनावा ड्रेस जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है, जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है, किसी के खानगी नहीं, किसी का बाप का नहीं, किसी ने नहीं बनाया, ये कुदरत ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है, जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है, जो कुछ भी है, ये जमीन ये सरकार की है, हम तो सिर्फ कब्जेदार हैं उसके, उसके मालिक नहीं बन सकते हम। तो ये पूरे देश में जो दिख रहा है वो सब अर्थ मटेरियल गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है, किसका प्राइवेट नहीं, किसी का बाप का नहीं। वो तो समय आएगा तब पुरवार करना पड़ेगा, ये रेवेन्यू का हिसाब आएगा, क्या कितना खाया है, कितना पिया है, उनका हिसाब आने वाला है कि रेवेन्यू टिकट लगा लगा के सब कुछ लिया है, पगार लिया है, लोन लिया है, ग्रांट लिया है, सब कुछ किया है, तो उनका हिसाब आएगा भारत सरकार का, तब कैसे पुरवार करेंगे, सभी कर्ज में से कैसे निकलेंगे, सब भागते फिरेंगे, कैसे बचेंगे, कि सब कुछ लिया है, कि रेवेन्यू के अधीन लिया है, जो कुछ भी लिया है वो ऐसे ऐसे नहीं बच पाएगा, कि प्राइवेट हो गए, प्राइवेट हो गया, कहने वाले ने कह दिया और मानने वाले ने भी मान लिया कि हम भी मान लेंगे ये प्राइवेट हो गया, मानते हैं सब कि प्राइवेट कहा तो मान लिया प्राइवेट हो गया। तो जो कुछ भी अर्थ मटेरियल है, जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी देख रहा है विश्व के अंदर, जो कुछ भी अर्थ मटेरियल देख रहे हैं, जो कुछ भी बना हुआ है वो गवर्नमेंट या भारत सरकार का है, कुदरती है, वो किसी का नहीं, इसका कोई मालिक नहीं। कैसे पुरवार होंगे मालिक, मालिक होंगे कहते ही पुरवार करना पड़ेगा, मालिक बन के तो बैठे हैं अभी, सब मालिक मालिक बोल रहे हैं, लेकिन जब हिसाब आएगा कुदरत का, गवर्नमेंट और भारत सरकार का, तो सब भागते फिरेंगे, कहाँ छुपेंगे, ये कुदरत किसी को छोड़ने वाला नहीं, ये कुदरती हिसाब एक एक का हिसाब लेने वाला है। ये दादा ने कहा है कि आकाश में हो या पाताल में, कोई बच नहीं पाएगा, एक एक का हिसाब होगा, तब कैसी परिस्थिति आएगी, वो समय कैसा आएगा, कहां भागते फिरेंगे, कोई बचने वाला नहीं, ये कुदरत का हिसाब सभी जीवों को देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट और भारत सरकार का अर्थ मटेरियल का वापर किया है और उन पे ही बड़ाई मार रहे हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो इसी आधार से जो कुछ भी बड़ाई चल रही है उनका हिसाब कुदरती बरह से, कुदरती बंधन के अधीन उसके पीरियड में आता है, आ रहा है, कि कुदरत भी नहीं छोड़ने वाला। तो ये कुदरती हिसाब है नॉन जुडिशियल, कि कहते पगार लिया, पगार तो ले लिया,
लेकिन पका लिया या कर्ज लिया वो किसी ने नहीं जाना, रेवने टिकट लगा के तो ले लिया, पका ले रहे कह रहे हैं, लेकिन सब कर्ज में है। कर्ज में जो कुछ भी कह रहे हैं गवर्नमेंट भारत सरकार का सर्विस की है तो उनको पीढ़ियो पीढ़ियों को भी हिसाब देना पड़ेगा। बाप तो सर्विस करके गया है लेकिन उसके परिवार है उनको भी हिसाब आएगा तो कैसे बच पाएंगे इस कर्ज में से। तो इसी तरह से जो कुछ भी कर्ज में डूबा है इंडिया के अंदर केंद्र सरकार का परिवार है वो पूरा कर्ज में डूबा हुआ है। जो कुछ भी लिया है लोन ग्रांट पगार लिए हैं जो कुछ भी लिया है वो सब कर्जदार है तो वो कैसे बच पाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट भारत सरकार का कुटुंब परिवार है वो कर्ज रहित हैं और गुना रहित हैं, उसने कुछ नहीं लिया। तो इसी तरह से ये जो समय आ रहा है कुदरती समय ये सभी जीवों का पुरवार करने का और हिसाबिक समय आ रहा है उसका क्रम कुदरती क्रम के अधीन आ रहा है धीरे धीरे। तो इसी तरह से हम ये बंगान देख के चलेंगे तो हम बच पाएंगे, नहीं तो ये बंधन के बिना कोई बचाने वाला नहीं, कोई राजनीति नहीं कि कोई पक्ष पार्टी नहीं बचाने वाली। बस इतना कह के बैठने की इजाजत रखता हूँ। सो सब पितु के जय।